घटना काफ़ी दर्दनाक घटना है, काफ़ी मर्माहत करने वाली घटना है। और घटना की जो ही खबर मुझे मिली है, हमने अपने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है, वो मुजफ्फरपुर तुरंत पहुंच गए और घटना स्थल पर कैंप किए हुए थे। घटना जितने घायल हैं उनका इलाज SKMCH में चल रहा है, और जो हमारे बॉयलर चीफ है वो भी वहाँ पहुँच गए, हमारे विभाग की कमिश्नर वो भी वहाँ पर थी मौजूद। और इसमें जो भी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशनल फॉल्ट की वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि फैक्ट्री बिल्कुल नई लगी हुई थी, अमूमन नई फैक्ट्री में बॉयलर इस प्रकार का विस्फोट हो जाए ऐसी संभावना न के बराबर रहती है, लेकिन कहीं लग रहा है कि कोई ऑपरेशनल फॉल्ट हुआ है, क्योंकि उस बॉयलर का सर्टिफिकेशन पिछले मई में नियमानुसार जो किया जाता है बॉयलर चीफ के द्वारा वो भी किया गया है विभागीय स्तर पर, तो बॉयलर में कोई फॉल्ट था या कोई गड़बड़ी थी ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ऑपरेशनल फॉल्ट वहाँ हुआ है। जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे हम लोग, और कंपनसेशन एक्ट के तहत लेबर को जो मैक्सिमम कंपनसेशन मिलना है इसके लिए विभाग के अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। फिलहाल आपदा प्रबंधन से 4-4 लाख रुपये मुआवजा की भी घोषणा कर दी गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।